अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय होम। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा। हम इसे घर पे ही बनाएंगे और ये बाज़ार से भी बहुत कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 1/3 कप के करीब मैंने इसमें सूजी ली है और उतना ही मैंने शक्कर भी लिया है और उतना ही घी। ये सारी चीज़ों का रेशो एकदम बराबर रखेंगे हम। तो इस और ये मिल्क पाउडर है, ये ऑप्शनल है। ये भी मैंने 1 कप के करीब लिया है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और वो ले लिया है, सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट में होती है। और हम एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे। कढ़ाई मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है। 3 टीस्पून के करीब, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें बॉईल आना चाहिए। जब हम सूजी डालें तो इस तरह से पकनी चाहिए। तो हम इसे धीमी आंच पर बिल्कुल स्लो इसे हम भून लेंगे। तब तक जितना हमारे पास हमारी सूजी है उससे हम 3 गुना ज़्यादा पानी लेंगे, यानी 3 कटोरी मैंने उसी हिसाब से पानी लिया है और 1 कटोरी के करीब हमारी सूजी है। तो ये देखिए, ये भून रही है और इसमें दाने किस तरह से अच्छी तरह पक रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक वही पानी को गर्म करने रख लिया है, उसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है, येलो वाला, और उसमें घी भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सूजी किस तरह से पक रही है, दाने एक एक खिल गए हैं और इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड कर देंगे और पानी को जो हमने गर्म करके रख लिया था, बहुत चाशनी नहीं बनानी है, बस गर्म कर लेना है कि दोनों का भी टेम्परेचर बराबर हो। और थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी में पानी को ऐड करते जाएंगे और सूजी में जितने पानी की ज़रूरत है वो बराबर हो जाएगी। और इस पॉइंट पे मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा मज़ा आता है, बहुत ही इसमें खोए जैसा टेस्ट आने लगता है। देख सकते हैं आप, एक एक दाने इसके अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर हम लास्ट पॉइंट पर ऐड करेंगे, इसलिए कि शुगर में भी पानी होता है और फिर हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरह से पक जाती है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे तो सूजी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है। मैंने इसमें रोज़ एसेंस इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा सूजी का हलवा एकदम बढ़िया वाला तैयार हो चुका है। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें और घी ऐड करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये घी भी बच चुका है, पूरा नहीं लगा लेकिन हम उतना ही निकाल के रखते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, मुंह में घुल जाने वाला। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।